प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ में कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में स्थानीय कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराया है, जबकि उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई और दोषी पर 40,000 से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में रेप का आरोप साबित नहीं हो सका है। पीड़ित पक्ष के वकील के मुताबिक कोर्ट ने आरोपी संदीप को गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। इस मामले के 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है और अब इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगी। सितंबर 2020 का यह देश और विदेश में सबसे चर्चा में रहने वाला मामला था। पीड़ित दलित युवती के बयान के आधार पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच CBI ने की थी। तो देखिए, जिस तरीके से इस मामले को लेकर अब अगर बात की जाए तो पीड़ित पक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि हाई कोर्ट जाने का उन्होंने मन बना लिया है कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ में ये दुष्कर्म किया गया था, जिस तरीके से ये अन्याय किया गया था, आखिरकार वो अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। खबरों में आगे बात करते हैं। जातीय और उपजातीय में बटे 100 करोड़ हिंदुओं को संगठित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज भिक्षा यात्रा निकालने के लिए बागपत पहुंचे, जहां पर बागपत के बड़ोद में भिक्षा यात्रा का हिंदू संगठन ने जोरदार स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर महाराज ने कहा कि ये यात्रा जातियों के विभाजित सनातनियों को जोड़ने की यात्रा है। जब आप जातियों के बांट दिए जाने की बात को इस तरीके से कहते हैं तो बूंद भर रह जाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जब तक आप एक हैं तब तक सुनामी जैसे बेग, और साथ ही आप बटने लगते हैं तो नुक्कड़ गलियों में कटने लगते हैं। आज यहाँ पर भिक्षा यात्रा का पड़ाव बड़ोत है और यहाँ से हम लोग सबका तक का सफर तय करेंगे। ये यात्रा जातियों में विभाजित सनातन को जोड़ने की है। हिंदू मतलब हिंदू, जो जातियों में ना बटे, जो पंथों में ना बटे, जो संप्रदायों में ना बटे, जो हिंदू है वो हिंदू ही रहे, उसी की ये भिक्षा यात्रा है। हमें जातियों में बांट दिया जाता है, मगर जब आप जातियों में बटते हो तो आप बहुत बूंद भर रह जाते हो, मगर जब आप हिंदू होते हो तो आप 100 करोड़ होते हो। और जब तक आप एक हैं, जब तक आप सुनामी के जैसे वेग हैं, और जब आप बटने लगते हैं तब आप हर गली नुक्कड़ पर कटने लगते हैं। आपके एक होने की यात्रा है, आप इसे सनातन जोड़ो यात्रा भी कह सकते हैं, भिक्षा यात्रा भी कह सकते हैं। और यही इस यात्रा में भिक्षा है कि जातियों में विभाजित मत रही वो कर रही है। करते केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में यूपी में महंगाई और साथ ही रसोई गैस के रेट बढ़ने पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि एक बार फिर से घरेलू रसोई गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। और इस दौरान 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि महंगाई और रसोई गैस के रेट बढ़ाने को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जिसके चलते पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं को रोका है। तो वही दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी के मुरादाबाद से सामने आई है, जहां पर घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर सिर पर उठाकर बढ़े हुए दामों से लेकर इस दौरान उसका विरोध जताया है और इसी के साथ में डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी दिया है। तो वही तीसरी तस्वीर और आखिरी तस्वीर जो है वो यूपी के वाराणसी से है, जहां पर वाराणसी से निकलकर सामने आ रही है और यहां पर आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और साथ ही बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश भी नजर आया है। उधर बहराइच में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि घरेलू गैस के दामों में एक बार फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्र ने और इसी के नेतृत्व में हाथों में सिलेंडर लेकर दर्जनों कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही राज्यपाल को संबोधित इससे संबंधित जो भी ज्ञापन था वो उनको सौंप दिया गया है और इसी को लेकर इनका कहना है कि लगातार
लगातार सरकार सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, बहुत बचपन में इस कलेक्टर परिषद में हम अपने पिताजी के यहाँ पास आया करते थे, जब खाना लेके तो मैं देखता था कि यहीं बगल में एक अनपढ़ मदारी बैठ करके डमरू बजाता था और बड़े पढ़े लिखे आदमी ताली बजाते थे और बाद में वो झोला लेके निकल जाता था। आज मैं वही देख रहा हूँ कि जिस तरह से लोग महंगाई 50 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ा, आज हम इस परिसर में उसका विरोध करने आए हैं। 350 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पे दाम बढ़ा है, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हर चीजें जब कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ेगा तो चीजें महंगी होंगी। महंगाई चरम सीमा पर है और हम एक अनपढ़ आदमी के ताली बजवा रहा है और हम बजा रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। आने वाले वक्त में हालात ऐसे होंगे कि हम ताली बजाते हुए रह जाएंगे, वो झोला लेकर निकल। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर, जहां पर आपको बता एसएस गन हाउस के मालिक के मकान पर एक्शन लिया गया है। सैयद सफदर अली के मकान पर चला है बुलडोजर। सैयद सफदर अली के बेटे ने कहा कि नहीं मिला कोई नोटिस, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी अब इस बड़ी खबर में एक और कार्रवाई हुई है, जहां पर एसएस गन हाउस के मालिक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, सैयद सफदर अली के यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है और उनके बेटे ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है और इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा है। चले रुक करते और बड़ी खबर का, वाराणसी से ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर पहाड़िया मंडी में नारियल पानी के लेकर इस दौरान व्यापारियों में विवाद हुआ है। नारियल पानी की गाड़ी हटाने को लेकर युवक से विवाद किया गया है। इसी के साथ बता दें कि व्यापारी ने युवक पर लगाया है फायरिंग का आरोप और फायरिंग करने वाला युवक मौके से हुआ है फरार। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची है, सीसीटीवी कैमरे में और उसी के आधार पर आगे की जाँच जो है वो पुलिस करेगी। लालपुर पांडेपुर थाना इस दौरान जो भारी संख्या में पुलिस है वो वहां पर मौजूद है। और इसी के साथ आपको बता दें कि व्यापारियों ने पहाड़िया मंडी गेट नंबर 1 को भी किया है बंद। तो बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे, जहां पर पहाड़िया मंडी में नारियल पानी को लेकर इस दौरान एक विवाद हुआ और साथ ही बता दें कि व्यापारी ने युवक पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। फायरिंग करने वाला युवक मौके से फरार है और घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस पूरे मामले की। लालपुर पांडेपुर थाना पर भारी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद है। और मेरे साथ खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।